जय हिंद। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धम्म को आधिकारिक तौर पर जापान में 538 ईस्वी में लाया गया था, जब कोरिया राज्य बेग्जे के शासक ने जापानी सम्राट किम्मी को बुद्ध की एक शानदार मूर्ति के साथ साथ शास्त्र स्कॉल और आभूषण भेंट किए थे, और तब से बौद्ध धम्म जापान में पहुंचा है। आज बौद्ध धम्म जापान का प्रमुख धम्म बन गया है। हजारों सालों पहले बनाए गए बौद्ध वास्तु मूर्तियां आज भी जापान में मिलती है। उन्हीं में से एक है कामाकुरु दाइबुत्सु बुद्ध विहार। यह जापान की दूसरी सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति है। इसे अमिताभ बुद्ध कहा जाता है। मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। मूर्ति प्राचीन बुद्ध विहार के परिसर में मौजूद है। मूर्ति के बेस सहित मूर्ति 13.35 मीटर यानी कि 43.8 फीट लंबी है और इसका वजन लगभग 121 टन है। इसे अमिताभ बुद्ध कहा जाता है। मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। मूर्ति प्राचीन बुद्ध विहार के परिसर में मौजूद है। विहार में जो ऐतिहासिक अभिलेख है उसके अनुसार मूर्ति लगभग 1252 की है, जो कामाकुरा काल के दौरान की है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मूर्ति अंदर से खोखली है और पर्यटक इसके अंदरूनी हिस्से को देख सकते हैं। कई पर्यटकों ने मूर्ति के अंदर भित्ति चित्र बनाकर छोड़े हैं। एक समय में मूर्ति के आधार पर 32 कांस्य कमल की पंखुड़ियां थी, लेकिन अब केवल 4 ही बची है और वे भी अब वहां नहीं रही। विहार के प्रवेश द्वार पर एक नोटिस में लिखा है, अजनबी तुम जो भी हो और तुम्हारा पंथ जो भी हो, जब तुम इस परिसर में प्रवेश करो तो याद रखो कि तुम सदियों की पूजा द्वारा पवित्र भूमि पर कदम रख रहे हो। यह बुद्ध का विहार और शाश्वत का द्वार है और इसलिए इसमें श्रद्धा के साथ प्रवेश किया जाना चाहिए। वर्तमान कांस्य प्रतिमा से पहले एक विशाल लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा थी, जो कि 10 साल के निरंतर श्रम के बाद 1243 में पूरी हुई थी। दो बौद्ध भिक्षुओं ने धन जुटाकर इस मूर्ति को बनाया था। लकड़ी की मूर्ति 1248 में एक तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिस हॉल में वो लकड़ी की मूर्ति थी वो हॉल भी नष्ट हो गया था। इसलिए भिक्षु जोको ने कांस्य की एक नई मूर्ति बनाने की सोच ली थी और इसके लिए आवश्यक पैसे और एक नया हॉल परियोजना के लिए जुटाया गया। कांस्य प्रतिमा ओनो गोरियमोन और तांजी हिसा तोमो इन दो मूर्तिकारों ने बनाई थी, जो उस समय के दोनों प्रमुख मूर्तिकार थे। एक समय मूर्ति को सोने का पानी चढ़ाया गया था। मूर्ति के कानों के पास अभी भी सोने की पत्ती के निशान है, जो आज भी दिखाई पड़ता है। मूर्ति आज हमें खुले में दिखती है, लेकिन पहले के समय में इस मूर्ति को अच्छी तरह से हॉल में बनाकर रखा गया था, लेकिन 1334 में एक तूफान से हॉल नष्ट हो गया था। हॉल को फिर से बनाया गया। 1369 में एक और तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया और फिर से इसे बनाया गया। मूर्ति रखने वाली आखिरी इमारत मुरोमाची काल के दौरान 20 सितंबर 1498 के नानकाई भूकंप से उत्पन्न सुनामी में बह गई थी। तब से महान बुद्ध मूर्ति खुली हवा में खड़ी है। 1923 के ग्रेट कांटो भूकंप ने उस आधार को नष्ट कर दिया जिस पर मूर्ति स्थापित थी, लेकिन आधार की मरम्मत 1925 में की गई थी। मूर्ति की मरम्मत 1960-61 में की गई थी और मूर्ति के गर्दन को भी मजबूत किया गया था ताकि तूफान और भूकंप से उसे कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस तरह से जापान की सबसे पुरानी बुद्ध मूर्ति और जापान की दूसरी सबसे प्राचीन बुद्ध मूर्ति है, जो आज भी है और हमें देखने को मिलती है। जापान का बौद्ध इतिहास आपको नहीं पता है तो हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।